So, Dr. Ahil, myopia or need for eyeglasses is a global pandemic. So, आपके क्या inputs हैं इसके बारे में? What do you have to say? So, सबसे पहले let us understand कि myopia होता क्या है. Myopia का मतलब होता है कि एक इंसान की आंख में माइनस का नंबर चढ़ गया. That means उस इंसान को दूर की चीज धुंधली दिखती है और पास की चीज उसको साफ दिखती है, और उस इंसान को साफ देखने के लिए माइनस नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है. देखिए, ये जो मायोपिया की प्रॉब्लम है, ये कुछ साल पहले इतनी ज्यादा नहीं थी. तो डॉक्टर दिव्या, इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग स्कूल में थे, सो हमारी क्लास में अगर 50 बच्चे होते थे तो 4-5 बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर होता था. एंड अब अगर आप स्कूल्स में जाओ तो यू वुड रियलाइज कि ऑलमोस्ट 50% लोगों की या बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ गया है. सो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये जो इंसिडेंस है मायोपिया का, ये बहुत बढ़ गया पूरी दुनिया में. एंड स्पेशली अगर आप इस तरह की कंट्रीज देखो, चाइना देखो, सिंगापुर देखो, कोरिया देखो, ताइवान देखो, जापान देखो, इन सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट 80% लोगों की आंख में माइनस का नंबर या चश्मे का नंबर चढ़ गया, मायोपिया वहां पे आ गया. एंड ये सेम इंसिडेंस अब हम इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आता क्यों है. देखिए, चश्मे का नंबर आने का सबसे पहला कारण तो होता है जेनेटिक्स, कि अगर हमारे माता पिता की आंख में चश्मे का नंबर है तो बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा. लेकिन हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि माता पिता की आंख में तो चश्मा है ही नहीं और बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ गया. तो इसके दो मेन कारण हैं जो सामने आ रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबने मोबाइल कंप्यूटर पे काम बहुत करा था. तो आज की डेट में ये जो इंसिडेंस इतना हाई हो गया, इसका पहला कारण है लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप और स्क्रीन्स. तो स्पेशली जब बच्चे 18 साल से कम की उम्र में और वो लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो उनकी आंखों में इस तरह का चेंज आ जाता है कि आंख की लंबाई बढ़ जाती है पर आंख में माइनस का नंबर आ जाता है. और जो दूसरा कारण देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है इन एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, कि हम लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, धूप का एक्सपोजर हो नहीं रहा, और धूप से या सनलाइट से हमारी आंख में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आंख का साइज बढ़ता नहीं है और मायोपिया होता नहीं है. तो आप ये देखिए, सिंगापुर ने, जो वहां के स्कूल्स है, वहां पे मैंडेटरी कर दिया बच्चों के लिए कि 2-3 घंटे आपको बाहर जाके सनलाइट में आउटडोर एक्टिविटी करनी ही करनी है, क्योंकि वहां पर चश्मे का इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है. तो ये 2-3 कारण होते हैं किसी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आने के लिए.